नमस्कार पशुपालक साथियों, आज की वीडियो लेकर के आ रही जी गाँव काकडोली उपमी जिला चरखी दादरी हरियाणा मास्टर जी के यहाँ से जो वीडियो लेकर के आ रहे हैं भाई। आज की वीडियो में आप भाइयों को बहुत शानदार जो पशुधन दिखाएंगे। तो ये शौक कब से लगे मास्टर जी आपको? यो शौक तो वैसे मेरा बचपन से ही है। अच्छा, बचपन से ही है। तो पशु रखते हुए कितने दिन हो गए? पशु भी मैं तो घर में पैदा हुआ जब का पशु रखे। तो अपने पिताजी हैं, दादाजी हैं, वो रखते आ रहे हैं रूटीन से? अपना पिताजी भी मास्टर जी थे। अच्छा, दादाजी भी पशु रखा कर देते। अच्छा अच्छा, तो अच्छा ही पशुधन रखा है। मैं थोड़ा ज्यादा रखने लगा, मेरा थोड़ा ज्यादा चाहिए। अच्छा अच्छा, तो मास्टर जी अपने घर पे कितने दूध तक का पशुधन आप रखे आपने? तो मेरे पास तो 16-17-18 इतने तक का है पशु। अच्छा, इससे ऊपर नहीं? इससे ऊपर मिली नहीं हर कोई। अच्छा, घर की बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, घर की बस। अच्छा अच्छा, तो घर की तैयार हुई नहीं है, बाहर से मिली नहीं है? बाहर से मेरे लिया तो रेट कुछ अलग से। तो अलग रेट ज्यादा भाव में मिले हैं। तो पशुपालक साथियों, इसमें भी देखो, हम खरीद करके घर पे रखेंगे तो महंगा पशु रखेंगे तो उसमें नुकसान है। तो मास्टर जी का बहुत ही उचित कहना है भाई, अपना घर पे तैयार करो, अच्छी दूध लाइन की तैयार करो, ताकि आगे उनके काफ तैयार कर सकें और अच्छे बच्चे तैयार करके अपने अच्छे मुनाफे में पशुधन है वो सेल कर सकें। ये जोटी आप देख पा रहे हैं जी, बिल्कुल छोटा रिंग सिंह की जोटी है और जो टैल है वो भी लगभग 2-3 इंच टैल सफ़ेद होगी। न्यू है मास्टर जी? और जो थनों की क्वालिटी है ये देखें जी, ये देखें, बहुत ही दोहरा मुठिया थन है। ये दो दांत ब्यागी। अच्छा अच्छा, तो अभी भी दो दांत है? हाँ, दो दांत। कितने दिन की ब्याई होगी ये? होगी 13-14 दिन की ब्याई। अच्छा अच्छा, खोलिए भाई साहब। और जो अडर क्वालिटी है भाई, ये देखें, साइड से भी दिखाऊंगा आप भाइयों को, कल्ला कल्ला थन है, बहुत ही बिल्कुल टाइट अडर का जो पशुधन है ये देखें जी, दोहरा मुठिया थन। तो कितने दिन की ब्याई होगी मास्टर जी? ये 14-15 दिन की ब्याई होगी। अच्छा, 14-15 दिन की ब्याई होगी। 15 की होगी, होगी 14 की बस इतना है। अच्छा 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 अच्छा, तो साथ में बच्चा क्या मास्टर जी? बच्चा कट साथ में कटड़ा है। हाँ। तो कौन से चिमन की है अपने यह रोटी? ये HLDB की है। HLDB की चिमन की है। हाँ। जी, हाइट देखो भी, न बड़ी कह सकते न छोटी कह सकते, पेट पुट्ठा है काफी अच्छा साफ सुथरा और बहुत ही दोहरे मुठिया थन लगे हैं ये देख पा रहे हैं। और जो काप है इसके नीचे मास्टर जी वो HLDB का है। अच्छा, ये भी HLDB का है। हाँ। तो 14-15 दिन की ब्याई होगी। हाँ, 14 दिन की लग। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। तो मास्टर जी धार चुवाई में कैसी है? धार चुवाई में बढ़िया है जी। ओके है। हाँ, एक कोई निकालो दूध के पैर हिलाने का काम। अच्छा अच्छा। हाँ। बिल्कुल शांत स्वभाव होगी। तो मास्टर जी 14-15 दिन की ब्याई होगी, दूध कितना है? दूध अब इसका है जी 12 किलो। दूध 12 किलो लीटर का है? कट्टे तोल का? किलो का है। किलो का कट्टे तोल का 12 किलो दूध तैयार है। हाँ। ये नहीं भाई 15 है 18 है। ना ना, इसमें झूठ में क्या रखे? तो हमेशा भाई मास्टर जी के यहाँ से जो जितनी भी वीडियो कवर हुई हैं, सच्चाई की वीडियो कवर हुई हैं मास्टर जी का, न तो कोई सच्चा झूठ का काम है न कुछ और। और जो नशे हैं जो थनों पे ये देख पा रहे जी, दोहरे मूठिया थन है और बिल्कुल छोटा सींग की जोटी, लंबाई है वो भी काफ़ी अच्छी, हाइट न छोटी न बड़ी कह सकते, बहुत अच्छा जो पशुधन है। तो मास्टर जी अपन यह लेके आए थे या घर की पाली हुई है? या लाई हुई है जी। अच्छा, लाई हुई ये है। मैं 20-21 महीने ही कटिया लाया था। अच्छा, 20-21 महीने की थी या तब लेकर के आए थे? और ये 6-7 महीने हो गया अपने, यार 2.5 महीने के 3 महीने के लगभग उस समय गैबिन थी। तो 6-7 महीने अपन ले हुए होंगे। 7 महीने हो गए। तो स्वभाव बिल्कुल शांत है जी, जो एक एक नशे जो शरीर पे भी आप देख पा रहे हैं, अडर पे भी आपने देखी, बहुत अच्छा जो पशुधन है भाई, मुंह से 2 दांत है तो चौथे तो नहीं तोड़े होंगे? ना ना ना। बिल्कुल छोटा सींग, बहुत ही बढ़िया जोटी। तो मास्टर जी इसको रखोगे सेल करोगे क्या कुछ भाई? कोई ठीक कीमत लगा होगा दे देंगे, नहीं तो भाई ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है घर पे रखने की सलाह है। कीमत तो मास्टर जी देखो वीडियो कवर हो रही है, कीमत तो आपने लगानी है क्योंकि पशुधन अपना है तो आपने कीमत बतानी पड़ेगी, जिद्दे कोई भाई 2 पैसे लगा होगा। तो मास्टर जी कितना दूध निकाल दिया अपनी जोटी?
भाई मैं तो अगर ये 14-15 किलो दूध निकाल देती है तो मैं तो बहुत बढ़िया मानता हूँ। 14-15 किलो दूध निकाल देती है तो हाँ। बहुत अच्छी भी हाँ। दो दांत में 14-15 किलो दूध बहुत हो जाता है हाँ। कम नहीं होता। मेले से अभी लगी नहीं है, एक दो दिन में मेले से लग जाएगी। अच्छा अच्छा 15 किलो दूध अगर निकाल देती है तो अपने लिए तो बहुत बढ़िया है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा है जी। 14-15 किलो दूध कम नहीं होता जी। तो बिल्कुल कम एज में इसे 3 साल की पूरी नहीं हुई अभी है। 3 साल की पूरी नहीं हुई क्योंकि लगभग 2.5 साल के आसपास दो दांत तोड़ देती है। तो बहुत अच्छा जो पशुधन है मास्टर जी ने रखा, शरीर से भी अच्छी तैयार कर रखी है। तो दाने में क्या कुछ दे रहे हो मास्टर जी? दाने में अभी तो खड़ चल रही है इसकी, खाली खड़ और थोड़ा गेहूँ का दलिया। अच्छा, थोड़ा गेहूँ का दलिया और अपने बिंदोले की खड़, वे पंजाब साइड में बड़े मियाँ की खड़ बोल देते हैं। अपने एरिया में जो भी खड़ मिले है वह दे। कितना दाना डालो भाई मास्टर जी? दाना तो नॉर्मल है, मैले से लगने से पहले इसको। अच्छा अच्छा, गर्मी भी बहुत ज्यादा है। को गुड़ गाड़ मेथी माथी मास्टर जी? गुड़ और मेथी थोड़ा थोड़ा करे है शुरू चाट में। अच्छा अच्छा, थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग करे है ताकि मैले से लग जाए। तो दार दुआई में बिल्कुल ओके है जी? हाँ बिल्कुल बढ़िया जी। तो मास्टर जी अब आ जाती है रेट के ऊपर बात, तो रेट और बता दी इसका देने का फिक्स प्राइस। भाई मैं तो जायज मोल बताऊंगा, जैसे कि भाई नहीं जायज बताए ना जायज में मांगने हाँ। का कोई फायदा को नहीं हाँ। भाई रेट हिसाब बता दो, अपना पशुधन सेल हो जा और कोई भाई दूध पीने वाला हो उसको हाँ। पशुधन मिल जा। तो भाई साहब 2 लाख रुपए इसका लेना देनी मोल है। 2 लाख रुपए फिक्स हाँ, है हाँ जी। मान सम्मान तो होता है वो करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 2 पशुधन और दिखाएंगे आप भाइयों को। तो मास्टर जी क्या कुछ डिटेल है इनकी? इसका 2.5 महीना ब्याने करे रहे जी। 2.5 महीना बच्चा देने का टाइम बाकी है। दूसरी बार बच्चे को जन्म देगी। अच्छा, और अब यह छोड़ी है दूध से। दूध से ड्राई की है? ड्राई की है अब 10 दिन पहले। तो दार चुवाई में कैसी थी? बढ़िया जी, दार चुवाई में एक नंबर। दूध कितना दिया इसने? दूध इसने 13-14 पहले ब्यात में। तो जिस समय इसने बच्चा दिया था दांतों में कहती मास्टर जी कोई दांत तो इसका चेक नहीं, दांत शायद या 4 दांत अभी भी 4 दांत हो सकती हाँ, है हाँ। अच्छा, तोड़ भी दिया इसके दांत चेक नहीं। अच्छा, छठे भी हो सकती है, चौथे हाँ, भी हो सकती हाँ। है। तो बिल्कुल छोटा सिंह की जोटी है जी और बहुत ही बढ़िया पीठ पाठ की, बहुत ही बढ़िया साफ सुथरी। तो चुवाई की बिल्कुल ओके है जी, चुवाई की तरफ से बिल्कुल एक नंबर की। तो कितना टाइम रह गया इसका? इसका 2.5 महीना अलग। 2.5 महीने रह गए, 10 दिन से आपने ड्राई करी है। ये देखिए जी पीठ की चौड़ाई है वो भी काफ़ी अच्छी है जी। और कौन से बुल से गबन करा रखी है ये जी? HLDB का टिकवाया। अच्छा 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 हाँ जी। और ये खुद कोई सिमन की है या पंचायती बुल की? खरीद के ले आए थे जी। अच्छा, खरीद कर लेके आए थे। और एक गोवंश और रखा भाई ना, तो मास्टर जी इसकी क्या कुछ डिटेल है? यह भाई HF की गाय है, बछिया है। अच्छा हाँ, कितने? तो प्रेग्नेंट हुई है अभी? प्रेग्नेंट हुई है हाँ। दांतों में क्या होगी जी? दांत तो इसके तो चेक करे नहीं, चेक नहीं करे हैं। रेट की तो इसका 2.5 महीने रह गया बच्चा हाँ, देने का हाँ, इसका क्या कुछ रेट इसको है? अब दे देंगे जी 1.25 लाख रुपए में, 1,25,000 रुपए। 1.25 लाख रुपए हाँ जी, 1,25,000 रुपए रेट है। दूध कितना दिया इसने पहले ब्यात में? 13-14 किलो दूध, 13-14 किलो पहले ब्यात में इसने दिया। 2.5 महीना बच्चा देने का टाइम बाकी है। तो आप भाइयों को आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार जी।